हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ब्रॉडकास्टर और डीडी फ्री डिश के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे लगभग 20 से भी ज़्यादा पेड चैनल आपको देखने को मिलता है, और उन्हीं चैनलों को प्राइवेट डीटीएच और केबल टीवी के प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, यानी कि उन सभी के सभी चैनलों के लिए कुछ ना कुछ रुपए देने पड़ते हैं। एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, स्टार, कलर, सोनी, जी और साथ ही INTN मीडिया का इशारा टीवी जो चैनल जब से लॉन्च हुआ है तब से डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर लगभग 20 रुपये से भी ज़्यादा के पे चैनल आपको देखने को मिलता है। इसी को लेकर दोस्तों, डीटीएच इंडस्ट्री और केबल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। जो डीडी फ्री डिश के सब्सक्राइबर हैं वो तो खुश हैं, बिकॉज उनको फ्री में सभी चीज़ें देखने को मिल रही थी, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर एक मोनोपोली क्रिएट कर दिया था, क्योंकि जो चैनल जैसे कि सारा टीवी है, अगर उसे एज ए अलाकाटे प्राइवेट डीटीएच केबल टीवी पे लेते हैं तो 5 रुपये प्लस GST देना होता है। अगर आप स्टार उत्सव, जी अनमोल, कलश रिश्ते, सोनी पल, आज तक, GNT और साथ ही जी के बहुत सारे और चैनल्स हैं जो कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे आपको अनऑथराइज तरीके से भी देखने को मिलते हैं डिश टीवी के जरिए, तो इन सभी को देखते हुए यहाँ पे सभी ब्रॉडकास्टरों ने को ख़िलाफ़ यहाँ पे टाटा स्काई, एयरटेल, DTH हो गया और उसके अलावा आपका डिश टीवी, सभी नेटवर्क्स वालों ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है। एयरटेल और टाटा स्काई ही मेन है इसमें, डिश टीवी को भी आप छोड़ दीजिए। तो एयरटेल और यहाँ पे टाटा स्काई और साथ ही केबल इंडस्ट्री के कुछ जो उनका जैसे कि MP के लायंस ग्रुप वाले हैं या केबल एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं, वो लोग भी अब इन सब चीज़ों को लेकर कंप्लेंट ट्राई को देना शुरू कर दिए हैं, ताकि ट्राई इस पर कुछ हस्तक्षेप करे और डीडी फ्री डिश से पे चैनल को बंद करवा सके। तो यहाँ पे मेरे को कुछ कमेंट भी आ रहे थे कुछ लोगों के, वो कह रहे थे सर डीडी फ्री डिश पे जो FTA चैनल जो फ्री में दिखाए जा रहे हैं उससे कुछ प्राइवेट वालों को जलन हो रहा है। जलन की बात नहीं है, अगर जो स्टार, कलर, सोनी, जी के सभी चैनल अगर फ्री कर दे ब्रॉडकास्टर तो प्राइवेट डीटीएच केबल टीवी अभी आपको फ्री में ही दिखा देगा, सिर्फ 153 रुपये में ही सारे चैनल्स। तो बहुत लोगों के मन में एक सवाल था कि पहले तो 200-250 रुपये में सारे चैनल्स मिल जाते थे, तो अब क्यों नहीं मिल रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं MSO को मैं बहुत सारे ग्रुप्स में भी देखता हूँ, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि MSO मनमानी कर रहा है, तो मनमानी कर रहा है। मैं कहता हूँ कि MSO कहीं भी मनमानी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी नेटवर्क कैपेसिटी फी अगर कस्टमर पे करता है उसका 80% के आसपास 70-80% जो है LCO जो कि लोकल केबल ऑपरेटर के पास ही चला जाता है, और उसके बाद जो पे चैनल्स होते हैं, पे चैनल्स के जो प्राइस होते हैं वो चला जाता है ब्रॉडकास्टर के पास। यहाँ पे MSO सिर्फ एक मेडिएटर का काम कर रहा है, यानी कि MSO जो है LCO को भी संभाल रहा है, साथ ही ब्रॉडकास्टर को भी संभाल रहा है। यानी कि MSO के पास पैसे भले ही कस्टमर के आ रहे हैं, बट वो पैसे जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं, एक LCO को जा रहा है, एक MSO को जा रहा है, और कुछ परसेंटेज MSO के पास भी बच रहा है। पे चैनल की बात करूँ तो पे चैनल के लगभग 80% पैसे जो हैं सीधा ब्रॉडकास्टर के पास ही चला जाता है, और नेटवर्क कैपेसिटी में भी 80% जो है पैसा LCO के पास चला जाता है। मैं वीडियो बनाने का बेसिकली मेरा मकसद ये था कि मेरे को इतने लोग मेल और व्हाट्सएप पे पर्सनली अब लिखना शुरू कर दिए हैं कि कंपनी के वालों के वजह से ये पैकेजेस महंगे हो गए हैं, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, MSO के वजह से पैकेजेस महंगे नहीं हुए हैं। अगर MSO को जितने भी इंडिया के ब्रॉडकास्टर हैं अगर वो सभी के सभी चैनल सस्ते दे दें तो ऑटोमेटिकली MSO भी आपको सस्ते में पैकेज प्रोवाइड करा देगा। यहाँ पे MSO को भी पेमेंट करनी है प्लस LCO को भी अपने सर्विसेज के चार्जेस ले रहे हैं, ये दोनों अपने अपने पैसे ले ले रहे हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाता है MSO। अब जैसे जैसे कनेक्शन डाउन होते जा रहे हैं इस पैनडेमिक के टाइम पर, तो सबसे ज़्यादा सफ़र MSO को ही करना पड़ता है, क्योंकि MSO का जितने भी सेटअप कॉस्ट है प्लस लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस है वो उतने ही रहते हैं, वो ना कम होगा और ज़्यादा तो हो सकता है बट कम होने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए DTH और केबल MSO वगैरह जितने भी हैं ये लोग ट्राई से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जब रूल है कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे इनक्रिप्टेड चैनल को नहीं दिखाया जा सकता है, तो यहाँ पे स्टार 100, जी एन मूल, कलश रिश्ते, सोनी पल, आज तक, GNT, NDTV जैसे चैनल जो इनक्रिप्टेड चैनल है, पेड चैनल है, उन चैनलों को भी नहीं दिखाया जाना चाहिए। हालांकि जब NTO 1.0 आया था उस टाइम पे निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से
लॉन्च कर दिया गया था। बीच में ब्रॉडकास्टरों ने अच्छा गेम खेला था कि DTPDS पे जब लॉन्च हुआ था तो प्राइवेट DTH केबल में भी कुछ दिनों के लिए उसके चार्जेस को माफ़ किया गया था, 3-4 महीने फ्री दिया गया था, लेकिन बाद में इसे पेड कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर चैनल को सिमिलर कर दिया जाए, अगर जैसे कोई भी चैनल है DD National ही, अगर DD National फ्री है तो कंप्लीट पैन इंडिया के लिए फ्री है, तो उसी तरीके से जो चैनल अगर ऐड हो रहे हैं, अगर फ्री मोड में ऐड हो तो मे बी थोड़े बहुत ऑब्जेक्शन कम हो जाएंगे, बट ऑब्जेक्शन फिर भी रहेगा MSO का और DTH वालों का। बट अगर फ्री होते हैं दोनों जगह प्लेटफॉर्म पे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं बरकरार रहेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, जो मुझे काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि पहले 220 रुपये में ही पैकेज मिल जाते थे, अब ऐसा क्यों नहीं होता है। पहले रियो सिस्टम था, अब MRP सिस्टम हो गया है। रियो सिस्टम में क्या होता था, फिक्स्ड होता था, तो उस हिसाब से पैकेजेस सस्ते पड़ जाते थे। अब जब MRP आया तो MRP में क्या हो गया, सभी ने अपने अपने बुके का प्राइस, अपने अलगाटे प्राइस, सब ने अपना अपना लॉन्च कर दिया। और वो जब एक बंच बनता है, एक बुके बनता है, एक पैकेज बनता है, तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, डेट्स पे कस्टमर को महंगा पड़ जाता है। अब देखना ये होगा कि अब जो टाटा स्काई और एयरटेल ने जो ये किया है, जो ट्राई को लेटर दिया है, इससे क्या असर होगा आने वाले टाइम पे। और NTO 2.0 का तो अभी तो कुछ लोग पूछ रहे थे NTO 2.0 का क्या हुआ, तो मैं उसके बारे में बता दूं कि नेक्स्ट हियरिंग शायद 13 सितंबर को दे दिया गया है। तो मैंने इसलिए बीच में वीडियो नहीं अपलोड किए थे क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 7 सितंबर को होने वाला हियरिंग, बट वो पोस्टपोन्ड हो गया था, तो डेट्स वाई ये सारी चीज़ें थी। तो कुल मिलाकर ये है, जो DD Free Dish का सब्सक्राइबर हैं उनको जब मैं बोलूँगा कि नहीं चैनल हटने चाहिए तो उनको बुरा लगेगा, जब बोलूँगा नहीं हटने चाहिए तो पे वालों को बुरा लगेगा। तो बेसिकली एक चीज़ है कि देखो, फ्री की चीज़ें ना ठीक है शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन वो एक दिन बहुत महंगा पड़ जाता है। और कहीं ना कहीं आप ठीक है 4 मिलियन के आसपास DD Free Dish के सब्सक्राइबर हैं, जब से NTO आया लोग बढ़ गए उसके तरफ, क्योंकि कुछ चैनल्स जो पे वाले चैनल जब से वहाँ पे आ गया है वापस, तब से उनके सब्सक्राइबर बेस जरूर इंक्रीज हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अब यहाँ पे देखना होगा कि इसका क्या असर होता है, वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। ये कुछ मेरे मन की बात थी। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप डिजिटल एडिन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।